नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से दुनिया में चेंजेस आ रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर हम रुख करते हैं डॉक्टर प्रमोद पावा जी की तरफ। जी, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें सर, अगर दूसरी तरफ देखें हम कि जो आज ही न्यूज आई है, शायद कल मैंने सुबह न्यूज पेपर में देखा कि इंडिया अपना क्रूड ऑयल अमरीका भेजने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है, क्या ये इतनी उत्साह वाली बात है कि हम अपना सामान किसी और के यहाँ रखेंगे एज ए बैंक और शायद उसका पे भी करेंगे हम, तो उसको प्रॉपर डिस्कशन में आना चाहिए वो बात, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। बाकी मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कैसे संभव है कि हम अपना क्रूड ऑयल अमेरिका में स्टोर करेंगे, जबकि हमने तो खुद सऊदी अरब को स्टोरेज दे रखी है। हमारे पास स्टोरेज की तो कमी नहीं है, काफी जगह है। यहाँ गुजरात में गांधीधाम, कच्छ, भुज और मुंद्रा के आसपास हमारे काफी बड़े टैंकर और स्टोरेज की कैपेसिटी है, तो ऐसी कोई जानकारी मेरी नहीं है कि हमने। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमने अमेरिका का, जैसे सऊदी अरब ने अपना क्रूड ऑयल स्टोर करने के लिए, क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो वो स्टोरेज के लिए जरूर बाहरी जगह ढूंढ रहे थे और उसमें शायद भारत भी एक था। तो अगर हम ईरान की बात करें, अगर ईरान को ही आगे लें कि ईरान का, जैसे सुनने में आया था जिस तरह का ब्लॉक रशिया, तुर्की, ईरान बना रहे थे, खतर भी उसमें शामिल था, और इसराइल के लिए हल्का हल्के खतरा बढ़ता जा रहा है, तो इसराइल और इंडिया के रिलेशन पे उसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, इसराइल तो खुद अपने खात्मे की तरफ चल चुका है और बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि जितने भी अरेबियन कंट्रीज थे, जिनको आप कह सकते हैं कि जो प्रो अमेरिकन थे, जिसमें सऊदी अरब और यूएई सबसे आगे रहने वाले कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल के चाहे पर्दे के पीछे साथ रहते हो, लेकिन उनके साथ तो थे ही, उसके वफादार रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जब अरब स्प्रिंग हुई थी, या जब फिलिस्तीन के ऊपर जब कब्जा कर रहा है, जब गोलान पहाड़ियां कब्जा रहा है, तो उसको कोई आवाज नहीं उठा रहा, तुर्की के अलावा और ईरान के अलावा कोई दूसरा कंट्री, मुस्लिम, खासकर मुस्लिम कंट्री कोई आवाज नहीं उठा रही। तो ये तो अपने उम्मा से, अपनी उम्मत से धोखा दे रहे हैं, खुद खसारे में आ गया और उसके साथ इसराइल भी तकलीफ में आ गया। और इसराइल यहूदी एक ऐसी कौम है जो बहुत जल्दी पलटने वाली है, वो अपना पाला बदलने में देर नहीं लगाते। तो ऐसा सुनने में आया है, जैसे उन्होंने अपना हाफूज का बंदरगाह चीन को दे दिया है, तो आज नहीं तो कल वो चीन के पाले में आ जाएंगे। और वैसे भी रूस में भी काफी यहूदी रहते हैं, और रूस ने कभी इसराइल के मुखालिफ नहीं बोला, ना कभी इसराइल ने सोवियत। तो अगर इसको हम इस तरह से समझें, अगर हम इस तरह से समझें कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो सबसे करीबी दोस्त इसराइल कहा जाता है, जो हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, उस पे भी हमें शक है कि वो हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। नहीं, एक तो पहले आप ये दुरुस्त करें कि इसराइल इंडिया का दोस्त नहीं है, इसराइल बीजेपी और आरएसएस का दोस्त है। हमारी अभी तक जो हमारी विदेश नीति रही है या भारत का जो स्टैंडिंग रही है, वो इसराइल से इतनी ही दूरी बना के रखने की रही है जितना जिसको, जैसे आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है जी, तो हम उससे एक सोशल डिस्टेंसिंग ही बनाकर चलते थे। नहीं सर, हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ गुजरे हुए हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। गुजरे हुए हिंदुस्तान में तो यासिर अराफात और इंदिरा गांधी के रिलेशन क्या थे वो सबको पता है, हम आज के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। और अगर बीजेपी इस वक्त पावर में है तो ठीक है, वो इंडिया में ऐसे बीजेपी रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, लेकिन बाहर तो ऐसे इंडिया ही रिप्रेजेंट होता है वो, तो इसराइल और इंडिया की दोस्ती कही जाएगी? हाँ, फिलहाल तो यही मान सकते हैं कि हमने अपने सारे अंडे इसराइल की टोकरी में रखे हुए हैं जी, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और ऐसा हमारी सरकार को नहीं करना चाहिए था। इसराइल और अमेरिका कभी भरोसेमंद दोस्त नहीं हो सकते, और उससे, इससे बड़ी गुनाह और इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी कि जिस फिलिस्तीन ने इसराइल को पनाह दी थी जी, आज वो उसी पर कब्जा करके बैठ गया। हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी पीछे यूएस में भी एक मिस हैपनिंग हुई थी, सैन डियागो पोर्ट पर उनके जहाज में एक ब्लास्ट हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन चल ही रही है चीजें, उसमें कुछ आर्मी के लोग भी जख्मी हुए हैं इनके नेवी के, तो
हम पहले ये देखते थे कि कोई भी जरा सा इंसिडेंट होता था पूरे दुनिया में हंगामा मच जाता था और अमेरिका किसी ना किसी पे इल्जाम देता था। आज क्या अमेरिका इस पोजीशन में भी नहीं है कि किसी पे इल्जाम देकर अटैक कर सके? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम छठी पीढ़ी के युद्ध तक पहुंच गए हैं। अभी हमारे यहाँ भारत में तो चौथी पीढ़ी के ऊपर, चौथी पीढ़ी के हथियार लेकर हम भांगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया जो है वो छठी पीढ़ी तक पहुंच गई है। अभी कोई साइंटिस्ट बता रहे थे रशिया के कि उन लोगों ने एक ऐसे हथियार डेवलप किए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देते हैं, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के चलते हुए वहां पर आग लगी है, जिसके जवाब में ईरान के भी 7 जहाजों में आग लगी है, जलपोतों में। तो अगर यहाँ तक की लड़ाई है, यहाँ तक का युद्ध चल गया है, यहाँ तक की तकनीक आ गई है, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। फिलहाल अभी पूरी दुनिया में साइबर वार चल रहा है, लोग बिल क्लिंटन के और ट्रंप तक के ट्विटर अकाउंट उन लोगों ने हैक कर लिए थे, तो हम बहुत पीछे हैं। और जहाँ तक वो सोच रहे हैं या जहाँ तक वो काम कर रहे हैं, वहां तक अभी हमारी सोच भी नहीं। ठीक है, जहां तक वो लोग सोच रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, हमारी सोच भी वहां तक नहीं है। और उसके बावजूद भी हम अपने घर में बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी मीडिया, हमारे न्यूज़ चैनल हमें खुश करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है जो हमारे नेपाल से रिलेशन हो रहे हैं। नेपाल पहले छोटा भाई बड़ा भाई कहा जाता था, उसके बाद नेपाल ने कुछ स्टेटमेंट दिए अपने, या कुछ नक्शे उन्होंने पास किए, बात करते हैं 1800 की, 200 साल पुरानी। उसके बाद एक नया स्टेटमेंट आता है कि साहब राम भी हमारे हैं, वो भी आपके नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल अटैक तो नहीं है इंडिया के ऊपर कि जो पार्टी एक राम के भरोसे पूरी हुकूमत में आ गई और आज आप उसी से बात कर रहे हैं कि नहीं राम भी हमारे हैं? दूसरी तरफ फिर एक सो कॉल्ड हिंदू तंजीमें खड़ी हो जाती हैं जो पकड़कर मॉब लिंचिंग शुरू कर देती हैं। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण एशिया में दो पहलवान सबसे बड़े हुए हैं आज तक के रिकॉर्ड में जी। एक तो गामा थे जब अहले हिंदुस्तान था, वो जो पाकिस्तान है, और दूसरे दारा सिंह। तो गामा पहलवान के बारे में कहते हैं, वो बाजार में जा रहे थे, एक सब्जी वाले ने उसके सिर पर बट्टा मार दिया, पत्थर मार दिया जो तराजू का उसका बांट था, उसके सिर से खून निकलने लगा, उसने अपना गमछा बांधा और चुपचाप घर पर आ गया। घर आया तो उसके चेलों ने, साथियों ने कहा कि क्या पहलवान साहब, एक डेढ़ हड्डी के आदमी ने आप पे पत्थर मारा और आपका खून बह गया, आप चुपचाप घर पे आ गए। वो कह रहे कि भाई मैं अगर उसको 2 मार देता तो उसकी इज्जत बन जाती कि अगला गामा से टकरा गया था, और मैं चुपचाप आ गया तो वो वहीं पे खत्म हो गया, बात भी वहीं पे खत्म हो गई, और उसकी इज्जत बनी ना बनी, कम से कम मेरी इज्जत बन गई कि गामा पहलवान राह चलतों से पंगा नहीं लेता, राह चलतों से मुंह जोरी नहीं करता। तो जैसे किसी बड़े आदमी को, किसी बड़े पहलवान को जलील करना होता है तो उसके आगे हमेशा छोटे को अड़ा दिया जाता है। नेपाल से हमारे ताल्लुकात खराब करने के लिए शायद सबसे ज्यादा हमारी अपनी गलती है, और हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हमने गलती की है। हमने सबसे पहले गलती की जब वहां पर भूकंप आया तो हमारी मीडिया ने उनको जलील किया हर तरीके से, उनको भिखारी बना के रखा। आज भी हम चुटकुले बनाते हैं तो नेपालियों को हम चौकीदारी कहते हैं। उसके बाद भूकंप के अलावा दूसरा काम हुआ जो हमने नोटबंदी की, क्योंकि हमारी करेंसी वहां पर चलती थी और नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी से जुड़ी हुई है, 1.65 का फिक्स रेट है। तो हमने उनके 8,500 रुपए वापस लेने से मना कर दिया, जो हमारी तरफ से एक हिसाब से गलत काम था। तीसरी हमारी गलती क्या हुई कि वहां की टोटल संचार व्यवस्था BSNL देखता था, भारत के हाथ में थी, लेकिन हम जियो के और अपने सेठ जी के सेवा में हमने BSNL को मरने दिया, इसको 3G से 4G तक नहीं लाए। उसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल की अपनी संचार व्यवस्था खत्म होने लगी, उसने चीन का मुंह देखना शुरू कर दिया। और इन सबसे बड़ा गुनाह हमसे तब हुआ जब हमने उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया और 3 महीने तक वहाँ
पेट्रोल, गैस, दवाई, खाना सब जाना रोक दिया गया, तब भी उसको कोई ना कोई रास्ता चाहिए था। ऐसे में चीन उसको मिला, और चीन के पास पैसे की भी कमी नहीं थी, वैसे भी कोई बहुत दूर नहीं है ल्हासा से, तातोपानी एक वहां पर पड़ता है बॉर्डर तिब्बत की तरफ। तो चीन ने वो वाला रास्ता खोल लिया, वहां से वो शुरू हो गए। तो हमें अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। अब ये नेपाल की स्ट्रेटेजी है कि वो हमारे पर रोज नए आरोप लगाकर हमें डे टू डे जलील करता रहेगा, और हमारी ये मजबूरी है कि हम उसको कोई जवाब नहीं दे सकते। अगर हम पुराने नक्शों में जाते हैं तो फिर पुराने नक्शों में तो हिंदुस्तान में 650 रियासतें थी, कहाँ तक और कितनी बांटोगे? कभी गढ़वाल भी नेपाल का हिस्सा होता था, बंगाल का भी जो दार्जिलिंग वगैरह है ये सारा नेपाल का हिस्सा होता था। इसकी तो हिस्ट्री ऐसी है कि हमारे महाराजा रणजीत सिंह की जो सबसे छोटी वाइफ थी माता जिंदा कौर, जब माता जिंदा कौर को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने, तो उनकी एक खादिम थी, उनकी नौकरानी थी मुस्लिम लाहौर की, उसने महारानी के कपड़े पहन के बैठ गई और महारानी को नौकरानी के कपड़े पहना के वहां से कैद से बाहर निकाल दिया। जब वो कैद से बाहर आई तो नेपाल के महाराजा ने उनको राजनीतिक शरण दी। वो शायद एशिया की सबसे पहली राजनीतिक शरण थी। अंग्रेजों ने दबाव डाला, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद 1812 से 1814 तक एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ, जिस युद्ध के बाद सगौली संधि हुई। अब उस सगौली संधि में अंग्रेजों ने जो जहां लाइनें खींचनी थी, जहां बॉर्डर बनाने थे, वो उन्होंने बना लिए। आज अगर नेपाल के पास कोई सपोर्ट मिली है तो नेचुरली वो उसका फायदा उठाएगा, बढ़ेगा, आगे आंखें भी दिखाएगा, सारे काम करेगा। अगर आज सपोर्ट मिली है तो वो ये सपोर्ट जो मिल रही है पीछे से, अगर हम देखें, हम चारों तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हंगामा। नागालैंड में अस्सा को 4 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है, पीओके में हंगामा चल रहा है, कश्मीर में हमारे यहाँ रोज मिलिटेंट आ रहे हैं, और हमें ये भी कहा गया है कि न्यूज के थ्रू जो पता चला है कि पीओके में लॉन्चिंग पैड पर 200 से 250 आतंकवादी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान अपनी आर्मी भी लगा देता है इधर लद्दाख पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें आइसोलेट करके चाइना चारों तरफ से अपनी ही कंट्री में उलझा रहा है ताकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं हिस्सा ना लें? नहीं, देखें, ऐसा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने अपने आप को एकदम वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जोड़ दिया। हमें एक गुट निरपेक्ष, जैसे नेहरू जी की विदेश नीति थी, हमें वैसे ही रहना चाहिए था। पर्दे के पीछे हम किसी के भी सहयोगी रहते या सभी के सहयोगी रहते। और दुनिया के अंदर अगर चाइना को कोई सामने से चुनौती देने वाला देश नजर आता था तो वो भारत नजर आता था। 2010 में द इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि आने वाले टाइम में 2030 तक भारत चाइना से भी आगे निकल जाएगा, और हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि हम कई दर्जे चाइना से बेहतर हैं अगर हम ईमानदारी से करें। ये तो अनफॉर्चुनेटली 1992 में जब से रथ यात्रा निकली और हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, तब से हमारे देश की साख खत्म होती चली गई, और जो बची खुची कसर थी वो 2014 के बाद से पूरी हो गई। और आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सबसे बड़ा खतरा भारत लगता है। विश्व की शांति के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा कई तजियाकार बताते हैं तो वो हमें बताते हैं, आपको बताते हैं। जिस मुल्क में 60 करोड़ आदमी बिना सोचे समझे सिर्फ मजहब के नशे में एक पार्टी को वोट दे देता है या एक पार्टी के मुखालिफ वोट दे देता है, तो वैसी जहनियत का पॉपुलेशन कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप देखें ना, एक शंभू रैगर करके उदयपुर में कोई केस हुआ था, उसका क्या हुआ? अखलाक का हुआ, और 40-45 लोग मरे, सुबोध इंस्पेक्टर मरा, और कितने, एक और वो जमशेद या क्या नाम था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, इंस्पेक्टर थे, डीएसपी थे कोई, उनको भी मार दिया तो गया था। वाकई खतरनाक है हमारे लिए। और अगर हम थोड़ा सा इधर आए, जो आजकल सोशल मीडिया है,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक पूरा प्रोग्राम बन चुका है, अब लोग व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास भी एक मैसेज आया, जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो संघ से वाबस्ता हैं, उन्होंने ही मैसेज भेजा, और उनका कहना ये था उस मैसेज में कि 5 जुलाई को इंडिया पे अटैक होना था और पूरी तैयारी थी, पाकिस्तान उसकी अगुवाई करता, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा था और ईरान भी पीछे से सपोर्ट करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान में जो उनके एटॉमिक रिएक्टर जो ऑफ वो था सेंटर, वहाँ कुछ ब्लास्ट हुआ, वो इसराइल ने कर दिया, इंडिया ने इसराइल से बात की, इसराइल ने वहाँ ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से ये हमला जो था इंडिया पे रुक गया और ये इंडिया जंग जीत गया। तो क्या बात है। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि मतलब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये ख्यालात कहाँ से आते हैं और इसके पीछे वजह क्या होती है इस तरह के रूमर्स फैलाने की, कि जबकि इसराइल दूसरी तरफ खुद खड़े होकर कह रहा है कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे माफ करो। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल को कहना पड़ा हो इस तरह से। ये इसराइल की एजेंसियां और उनकी काम करने का तरीका है, वो लोग ऐसा ही करते हैं। जब अफगानिस्तान में जिया उल हक के टाइम और मुशर्रफ के टाइम में तालिबान बनाकर भेजे गए थे, या मदारिस के बच्चे भेजे गए थे लड़ने के लिए, तो उन लोगों का भी ऐसे ही ब्रेन वॉश किया गया था। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से, जो मैंने पहले आपको इशारा किया है, ऐसा आपको मालूम हुआ, जैसे आपसे मुझे मालूम हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि चार को नहीं मालूम होगा। और व्हाट्सएप में, फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया में आप जो लिखते हैं, जो करते हैं, वो सारा मॉनिटर होता है। एक एक चीज आपकी आपकी ज़हनियत तक को सामने दूसरी जगह 7 समंदर पार बैठा हुआ आदमी देख रहा होता है। वो देखता है कि हमारे 50 करोड़ यूज करने वाले हैं इंडिया में, और उस 50 करोड़ में से 30 करोड़ बेवकूफ़ी वाली और जहालत वाली बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जाहिल कंट्री है, ये पूरी सोसाइटी ही जाहिलों की और आतंकियों की है। तो नेचुरली उनके लिए, उनको लगेगा कि ये खतरा है। और जब भी आपको किसी का फायदा लेना होता है, जब भी आप किसी की आप जासूसी करनी होती है, तो आप उसके अंदर घुस के ही कर सकते हैं, बाहर से नहीं कर सकते। जी, तो वो लोग सब, आज आई थिंक हमारा टाइम पूरा हो रहा है, इन चीजों को यहीं रोकते हैं। लेकिन आज मैं ये चाहूंगा कि आप अगले 1 हफ्ते या 15 दिन में कुछ जो आप देख रहे हो चीजें, एक जो आपके ख्यालात हों एक न्यूज पढ़ने के बाद, कि क्या हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा, मैं बताऊंगा जरूर। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि युद्ध ही हो सकता है, और इस बार ऐसा युद्ध नहीं होगा बम बारूद वाला या राइफल और गोली वाला। जी, 6ठी पीढ़ी का युद्ध होगा, जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं रहे, जो नजर नहीं आएगा लेकिन अच्छा जोरदार होगा। चलिए, तो पता नहीं उस युद्ध में हम कहाँ होंगे, जब हम, आप बता रहे हैं हम 2nd पीढ़ी में हैं, अभी हम पार्ट भी होंगे कि नहीं होंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम पार्ट ना ही हो तो बेहतर है। मैं दुआ यही करनी चाहिए कि अमन अमान बना रहे, लेकिन कई बार युद्ध भी जरूरी होता है शांति के लिए। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जी, मैं कोशिश करता हूँ आपको अगले एपिसोड में किसी पाकिस्तानी दोस्त को साथ बिठा के बात कर रहे हैं। जी जरूर जरूर, ताकि पता लगे आपके दर्शकों को। जी, आपके दर्शकों को पता लगे कि सरहद पार के लोग भी क्या सोचते हैं। बिल्कुल सर, और उसके लिए कोई सवाल आते हो तो आप तैयार। बिल्कुल, तो नाजरीन, जैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि अगले एपिसोड में सरहद पार से भी हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट होंगे, अगर आपके पास कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह एपिसोड में फिर मुलाकात होती है आपसे। जी, खुदा हाफिज़। खुदा। नाजरीन, तो ये थे डॉक्टर प्रमोद पावा, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और नई बातों के साथ उनके साथ हाजिर होंगे, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि शायद सरहद पार से भी कुछ जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको अलग तरीके से एक अलग व्यू आपके सामने लेकर आते रहें, और आपको हालात हाजरा से
आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।